हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी योलो मसाला। मैं हूँ शेफ मिंटू, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल शेफ मिंटू किचन। अभी हमने ले लिया है डस्टर, डस्टर के ऊपर हमने बिठाया परात। योलो मसाला बनाने के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हैंग कर्ड। हमने पहले हैंग कर्ड ले लिया है, पहले हमने छान के रखा था। 4 किलो हैंग कर्ड लिया है हमने। अभी इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी हम डालेंगे काजू पेस्ट 300 ग्राम। दोस्तों काजू पेस्ट इसलिए डाला जाता है कि दही ज़्यादा खट्टा हो, बाइंडिंग बराबर हो, इसलिए हमने काजू पेस्ट लेते हैं। अभी हम डालेंगे मसाला। अभी सॉल्ट डालेंगे 3 टेबल स्पून। योलो चिल्ली पाउडर डालेंगे 3 टेबल स्पून। ब्लैक सॉल्ट डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। जीरा पाउडर डालेंगे 2 टेबल स्पून। इसको किचन किंग मसाला डालेंगे 2 टेबल स्पून। किचन की मसाला आप डाल भी सकते, नहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कस्तूरी मेथी डालेंगे 1 टेबल स्पून। इलायची पाउडर 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर 2 टेबल स्पून। दोस्तों अभी हम दही के साथ में मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं मिक्स। देखिए दोस्तों हम कितना अच्छा मिक्स कर लिया है। अभी इसमें कलर देना है, इसलिए हमने ले लिया है रगन 250 ml। दोस्तों ये योलो रगन कैसे बनाया जाता है आपको अगर नहीं पता है तो हमें कमेंट करें, हम उसके लिए भी कैसे रगन बनाया जाता है उसके लिए एक वीडियो बना देंगे। दोस्तों इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने कैसे अच्छे से मिला लिया, कितना बढ़िया सा कलर आया, कितना अच्छा सा टेक्सचर दिख रहा है। अभी इसमें कुछ और बाकी है, इसमें हम डालेंगे क्रीम। दोस्तों हम ले लेंगे 300 ml अमूल क्रीम। क्रीम से दोस्तों बहुत ही अच्छा कलर शाइनिंग आएगा। देखिए दोस्तों मैं जब मिला रहा हूँ तो देखिए कितना अच्छा शाइनिंग निकल के आ रहा है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट बाकी है दोस्तों, जब भी हम इसको मिलाते हैं देखिए कितना अच्छा बढ़िया सा कलर आया। अभी हम डालेंगे 50 ml मस्टर्ड ऑयल। दोस्तों मस्टर्ड ऑयल डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कलर भी बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। दोस्तों वीडियो को अभी तक अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अभी इसका मसाला को हमें स्टोरेज करने के लिए ले लिया है जीएन पैन में हम थोड़ा थोड़ा करके मसाला पूरा उठा लेंगे। दोस्तों ये मसाला हम फ्रिज में डाल के 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक ही मसाला से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और इस मसाला को फ्रिज के अंदर रख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।